बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एडवांस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है ये आपके एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में है। पुलिस, व्यापम, एसआई, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहां पे जीएस में राज्यसभा ना आता हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका जो जिक्र है संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले मैंने संसद को बताया था, वहाँ पर मैंने आपको ब्रिटेन की संसद कैसी है, संसदीय प्रणाली वहाँ पर कैसी है, अमेरिका की संसदीय प्रणाली कैसी है और भारत की संसद कैसी है, इन सब के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया है एक वीडियो, वो आप जाके कमेंट उसमें देख सकते हैं यूट्यूब पर मेरे डिस्क्रिप्शन पे जा करके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज बात करेंगे हम राज्यसभा की। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको इतना लंबा नहीं करने वाला हूँ, इसमें इन शॉर्ट मैं इतनी चीज़ें बता दूंगा कि कोई भी परीक्षा में राज्यसभा से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। राज्यसभा जो होती है वो भारत की उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, राज्यसभा क्या कहलाता है? भारत का उच्च सदन। तो उच्च सदन चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे कोई भी सदन हो, उच्च सदन हो, उसमें अप्रत्यक्ष ही चुनाव होते हैं। जो निम्न सदन होता है जैसे लोकसभा, उसमें अपने द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा होता है, जैसे जो राज्यों के मंत्री होते हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं, मतलब विधानसभा सदस्य जितने होते हैं, प्लस जो केंद्र की विधानसभा है, केंद्र में केवल दो जगह विधानसभा है, पांडुचेरी में और दिल्ली में। ठीक है, और उसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सभी के द्वारा मिलजुल करके किसको चुना जाता है? राज्यसभा को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? राज्यसभा के मेंबर को चुना जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्यों कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है जिसमें अपन डायरेक्ट वोट करें, मतलब आम जनता। तो आम जनता तो वोट नहीं करती राज्यसभा सदस्यों को, आप जानते हैं, है ना। तो राज्यसभा जो होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव से क्या होते हैं? जीतते हैं। चलिए बात करता हूं मैं राज्यसभा के अनुच्छेद 80 की। राज्यसभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसका सबसे पहला जो बात है जो आपको याद करना है कि राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, तथा पहली बैठक 13 मई 1952 को ली। तो देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को ट्रिक बना लीजिए, 1 अप्रैल को अप्रैल फुल होता है, अप्रैल फुल के दो दिन बाद क्या होता है? राज्यसभा का गठन हुआ था और 1952 में हुआ था। ठीक है, दो दिन, 1 अप्रैल को दो दिन बाद, मतलब 3 तारीख को गठन हुआ था। 1950 में आपका क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, उसके दो वर्ष बाद 1952 में इसका क्या किया था? गठन किया गया था। और 13 मई 1952 को क्या हुआ था? इसका पहली बैठक हुई थी। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। फिर क्या है कि राज्यसभा की जो अधिकतम 250 लोग सदस्य हो सकते हैं, मतलब जो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है। लेकिन ये हमें याद नहीं करना, हमें याद क्या करना है, वर्तमान में जो संख्या है वो 245 सदस्य की है, जिसमें 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वो जो 12 लोग होते हैं वो कला के व्यक्ति हो सकते हैं, किसके? कला के, साहित्य के, विज्ञान के, समाज सेवा, सहकारिता, मतलब ये जो 12 सदस्य को चुनने की, जो मनोनीत करने की जो बात है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, और उसको यह शक्ति संविधान भारत का प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 245 सदस्य हो सकते हैं जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो क्या है? साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में क्या होते हैं? निपुण व्यक्ति को करते हैं। और 233 सदस्य जो होते हैं इनको क्या होते हैं? प्रतिनिधि मंडल द्वारा इनको चुना जाता है, मतलब जो मैंने अभी आपको इसके पहले प्रोसीजर
बताया। तो कुल मिला के 245 सदस्य होते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने मतलब सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हो सकते हैं। ये भी आ जाता है कि 245 सदस्य में कितनों को राष्ट्रपति चुन सकता है, तो 12 को। वो कैसी कला में निपुण होने चाहिए, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में निपुण होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकता है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन लोग। न्यूनतम आयु जो मतलब राज्यसभा सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। अभी मैंने आपको राष्ट्रपति की आयु बताई थी, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष, और जो उसकी कम एज होती है राज्यसभा सदस्य की वो कितनी होती है, 30 वर्ष। राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन माना जाता है, इसको भी गौर कीजिएगा। राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन होता है, अतः यह भंग नहीं होता है। क्या आपको याद रखना, स्थायी सदस्य मतलब अस्थायी सदस्य सदन कौन सा हो गया, लोकसभा हो गया। साथ ही ये उच्च सदन भी होता है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करें, 245 सदस्य हैं, तो 245 जो हैं इसका भागे 3 मतलब 1/3 1/3, जैसे मान लीजिए 3 8 24 3 1 3 लगभग 81 से 82 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और इनके जगह नए मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हर 2 साल में, मतलब इनका जो चुनाव होता है, जैसे लोकसभा में नहीं होता कि इकट्ठा चुनाव हुए, इकट्ठा जीते, इकट्ठा आए या इकट्ठा हार गए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग 3 बार में चुनाव होते हैं। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यपाल का पदेन सद, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सदा सभापति होता है। इस चीज़ को भी गौर कीजिएगा, जो राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्य राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। एक सदस्य को 245 में उपसभापति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। देखिए जो 245 सदस्य में से एक सदस्य को अपन लोग क्या कर सकते हैं, उप सभापति भी क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, जो 6 वर्ष के लिए रहता है। ये कौन चुनता है, ये उसी सदन के मेंबर चुनते हैं। जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में जो 245 सदस्य हैं वो क्या करते हैं, 6 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उपसभापति बना देते हैं। तो इसमें अब 2 चीज़ याद रखनी है, जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपसभापति होता है वो उसी का एक सदस्य होता है जो राज्यसभा में चुन करके आया है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है। सदन की बैठक 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति भारत के हैं उनको अधिकार है कि वो साल में 2 बार कम से कम 2 बार क्या कर सकते हैं, जो बैठक है उसको बुला सकते हैं, और साथ ही दोनों बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। ये सेम चीज़ लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में होती है, विधानसभा में भी होती है। 6 माह से अधिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 महीने की भी हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती और ना ही संशोधन कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के लिए केवल 14 दिन समय मिलता है, यदि वापस नहीं होता तो पारित हो जाता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो धन विधेयक है ना वो लोकसभा पारित करके मतलब अपने यहाँ से कहाँ भेजती है, राज्यसभा को भेजती है। अब राज्यसभा इस धन विधेयक को ना तो संशोधन इसमें कर सकती और ना ही इसमें को क्या कर सकती है, लौटा सकती, अस्वीकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो काम है वो लोकसभा को दिया गया है। ठीक है, इसमें हेड धन विधेयक में लोकसभा रहता है। तो अब इनके पास भैया पहुंच गए तो ये क्या करेंगे, कार्यवाही इनको करनी पड़ेगी। तो ये 14 दिन तक इनके पास रहता है, इसके अंदर इन्होंने अगर करके भिजवा दिया यहाँ पे तो ठीक है लोकसभा में, अगर इन्होंने नहीं कर पाया तो अपने आप ये माना जाता है कि वो राज्यसभा में क्या हो गई है, पास हो गई है, पारित हो गई है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा उसके प्रतिनिधित्व कौन कौन नहीं करता है, तो मैंने आपको बताया था दिल्ली करता है और
पांडुचेरी करता है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो बचा कौन, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप। ये पांच केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो क्या नहीं लागू करते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा में यहाँ के मेंबर नहीं आते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर कहाँ आते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी में। दिल्ली में 3 सीटें हैं और पांडुचेरी में 1 सीट है, ये मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं, कितनी है भैया, 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य की। और मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 11 हैं। और ये मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल का पेट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में पक्का मिलेगा और कई बार आया हुआ है, आप जाके परीक्षा में आप देख सकते हैं पुराने पेपर में। मध्य प्रदेश का क्या क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 हैं। मध्य प्रदेश का जो भारत का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। दिल्ली में कितनी सीटें हैं, तो भैया राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। पुडुचेरी, पांडुचेरी, तो वहाँ पे केवल 1 सदस्य हैं और 2 केवल केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे ये आपकी क्या है, राज्यसभा अलाउ है, बाकी जगह नहीं। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें और याद कर लेनी है इसमें। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, जो पहले राज्यसभा थे और देन उसके बाद क्या बने हैं, प्रधानमंत्री, तो ऐसे कुल मिला के 4 लोग थे। एक थी इंदिरा गांधी, एक थे मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, मनमोहन सिंह को याद कर सकते हैं, बचे एसटी देवगौड़ा और आईके गुजराल। तो देवगौड़ा गुजराल, देवगौड़ा गुजराल, इनको याद कर लीजिए। ये 4 लोग ऐसे थे जो पहले राज्यसभा सदस्य थे, देन ये क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अपने मोदी जी क्या थे, मोदी जी पहले क्या थे, पहले वो मुख्यमंत्री थे, फिर वो क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति का नाम क्या है, तो कृष्णस्वामी, याद रखिएगा, एचपी कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के प्रथम जो उपसभापति थे वो कौन थे, कृष्णमूर्ति थे, ध्यान रखना है देवियों सज्जनों। अगर ये पूछ ले राज्यसभा के जो प्रथम पदेन सभापति थे तो वो कौन थे, तो बताइए कौन थे, आप लोग को मैं देता हूँ उसकी जिम्मेदारी, ये कौन थे बताइए, जो पदेन सभापति थे राज्यसभा के प्रथम, उनका नाम क्या था, आप लोग बताइए फटाफट। उनके जन्म दिवस के उनके जन्म दिवस जो होता है वो किस रूप में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, बताइए कौन है। चलिए मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, मैं जब तक आप लोगों को कमेंट में वेट करता हूँ, सही उत्तर मैं वहां पे दे दूंगा। चलिए ठीक है, अरे मैं आप, चलिए बता ही देता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर प्रदेन उपसभापति हैं तो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति पहले कौन थे बताइए, पहले राष्ट्रपति कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। और चलिए आप लोग का बहुत समय हो गया, आप लोग ने अभी बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने सुना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वैसे व्यक्ति थे जो पहले पदेन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन याद रखा कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो लोकसभा आने वाला है, मैं ऐसी छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट के, जो आप सोते समय भी देख लें। ठीक है, तो इसको देख रहिए, धीरे धीरे एक भी चीज़ अगर दिमाग में चली गई ना तो वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, घर से बाहर मत निकलिए, हाथ धोते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।